राजेंद्र जी राठौड़ चूरू छोड़ भाग गया है बांको भी नतीजो बुरो आसी बड़े तारानगर में बड़े मोर बोल सी ईडी पीडी जगह भेजे है ये खाली कांग्रेस शासित राज्य में क्यों भेजे है बांका भी तो खूब स्टेट है बड़े किसो भ्रष्टाचार को नहीं हो या बड़े किसा भ्रष्ट करप्ट आदमी को नहीं गए भ्रष्टाचार का खेल सबका है ये अब कलपुर सराम जी नहीं है अभिनय जी को तो नाम आता है लोग माथम खाओ लगे के कांग्रेस ने वोट कम दे रही कोई नाम मात्र दे रही है फिर भी कांग्रेस जी गया हमेशा से मूल ओबीसी को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाता रही है सौ गहलोत ने है ना बीजेपी कह दे मूल ओबीसी ने धोखो देगी कौन दे अब वो मूल ओबीसी कोई आदमी है राधेश्याम जी कह दे लालच दे दियो का आपका बना विनय जी हटे ई चौक का मायने आया बोले भाई लोगों में राजस्थान सरकार के चाबी है ना अभी को मैंने फिर तो है खट्टा है और एक रुपये की सुई भी पाँच साल का मैंने लगाई है तो वो बता दो मोदी की तो साहब यह बात है कि सेना झूठो प्रधानमंत्री यदि देश में हुए तो वो आज तक मोदी हुए अच्छा मोदी तो खोखलार झूठा वादा करे सब लोग बका आज नौ साल दस साल में बका पोत आ गया बार की तो आ टाइम लग गया कि चार को छह हुए हैं पूसा राम जी निकल सी क्या 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 कि सगड़ा माहौल वही हो रहा है पार्षद पुरसद आता रहे वो भी चुनाव लड़ रहे हो बता वो एक बबेरवाल है के नाम है वो मैं भी बीजेपी से दुखी हो रहा भाई जी मैं जामिया ने मैं पेट में आजत मांगा माँ बाप बीजेपी ने वोट देना शुरू कर दियो और आज तक बीजेपी ने वोट दे रहे बीजेपी मान के दियो फूल है नहीं खाली फूल है मुख्यमंत्री फूल है वहां को और मारे मुख्यमंत्री नहीं कैबिनेट मंत्री बनेगा गोदा राज्य अबगाड़े नमस्कार मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24 प्रदेश में चुनाव है लोकतंत्र का त्यौहार है और इसी के चलते हम गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं नेता वादा कर रहे हैं चुनावों के अंदर कि हम ये काम करवाएंगे वो करवाएंगे लेकिन पिछले पाँच सालों में इन्होंने क्या काम करवाया यही जानने के लिए हम जनता के दरबार में जा रहे हैं और इसी के चलते हम पहुँचे हैं चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गांव देहात में अक्सर जाते रहते हैं लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ रतनगढ़ के भार्गव चौक में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं इनसे जानते हैं चुनावी चौसर के बारे में चुनावी माहौल क्या है इस बार किसका माहौल रहने वाला है मौजूदा विधायक अभिनेश महर्षि और फिर भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है तो वहीं पर कांग्रेस ने पूसाराम गोदारा को प्रत्याशी बनाया है जानते हैं चुनावी माहौल क्या है बाबा राम राम के नाम है किशन सिया के लागा है किशन जी इब गए के माहौल है शहर को माहौल भैया अठा तो पूछा राम जी को ये महर्षि के करायो है महर्षि कुछ ही कौन कराए फिर भी शहर में तो के कौन कराए भैया शहर खड्डा खुदा है के कर रहे हो खड्डा खुदा है सड़का फूटी पड़ी है ये शहर की सारी गलियां खराब है मोटरसाइकिल वाला भोगता फिर है अच्छा कोई गाड़ी वाला है तो टायर फूट गयो पंचर हो गयो ट्यूब फाट गई कोई सड़क सही करा तो या कोई पानी की लोगों व्यवस्था कर दो अच्छा सो क्यों हो तो अच्छा से आजोड़ जोड़ वोट दिया जिताया महर्षि जी ने शहर का मायने कई समस्याएं देखने ने मिली मैंने जहाँ एक तो बरसात को पानी आवे वो शहर का मायने इकट्ठा हो जावे एक हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वह भी प्रॉपर को ने बताई हॉस्पिटल के आगे देख लियो बारिश चार चार आंगल होता ही गेला बंद हो जाए अच्छा इन्हें वो मेन है सिनेमा हॉल लेगी दो साल तक वो प्रमाण ताल को वो सो भर जावे आड़िया जाने छह महीना आता है चौमासा में परेशान रहे अच्छा बैंकर परेशान इसके अलावा क्या क्या समस्या देखने में लई बार अभी तो ठीक है अच्छा सुखी हो क्योंकि गर्मी आ गई सर्दी आ लगी अच्छा वो देखो आगे क्या हुआ है अच्छा एक चीज और बताओ मैंने इब का क्या लगा पिछली बार तो चार कैंडिडेट हा कांग्रेस बीजेपी और दो बागी हा ये बार आमने सामने को मुकाबला है अब बार की तो आ टाइम लग गया कि चार को छह हुए हैं पूसा राम जी निकल सी क्या 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 की सगड़ा माहौल वही हो रहा है लोग कह रहे हैं हाँ के कारण दुनिया कह रही है कि जाता है आग लोग काम करे काम प्यारो है अच्छा गहलोत की सरकार रही है कांग्रेस की सरकार रही है बीजेपी को विधायक को फिर भी अगर छोटो मोटो को इन्हें साठ गांठ करके काम करवा सका करवा सका हरेड़ा आदमी जगह कराने लग रहे है कौन करवाया हरे की जगह तो जो भी नेता है जगह हरे है वह करवा रहे अब पूछा राम जी जीतेड़ा को नहीं पिछले साल तो वह फोन के सके काम करवाए हर आदमी को जी हाँ कोई भी जाके परेशान हो तो फोन करवा के हाथों हाथ भी टाइम ही अच्छा। आगे बात करवाई आग लो अच्छा पंडित जी ताने के लगे है मैंने तो पूसाराम जी जीता लगे भैया अब की बार कोई रोक से 101% पूसाराम जी गोदर आगे पंडिता का वोट किन है अब गए पंडिता का खेल सबका है नहीं अब कल पूसाराम जी नहीं है अच्छा अभिनय जी को तो नाम आता है लोग माथम खाओ लगे
टिकट क्या मिले ये क्या फेल हो गए कोई काम को नहीं करे दिखे थे हर व्यक्ति ने क्या मिले थे सरकार की बन रही है सरकार कांग्रेस की बन रही क्या बस थन गए बीजेपी तो मुख्यमंत्री घोषित कौन करे कोनी कोनी सुन गए क्या फूल है नहीं खाली फूल है मुख्यमंत्री फूल है वहां को और मारे मुख्यमंत्री नहीं कैबिनेट मंत्री बनागा गोदा राज्य अब गाले पहली बार में चैलेंज से कह रहे हमें थाने के लगाया गहलोत की सरकार पछी आओगी बगे एकदम 101% है योजना ले है गहलोत सरकार के लगाए फायदेमंद है के एकदम सब फायदेमंद है लोगों को फायदा मिल रहे है अच्छा चौधरी साहब ते बताओ ताने के लागे ये गहलोत सरकार की योजना बढ़िया लागे भैया क्या बढ़िया लागे सब योजना बढ़िया है आज त्योहार के दिन आज की किट वालो प्रोग्राम है ओ बढ़िया नाच दे रही है जुको बढ़िया सारी चीजा बढ़िया है अच्छा सारी फैसिलिटी बढ़िया है के करे हो ते के करे भाई देखो जी अशोक जी गहलोत के जी की चिरंजीवी योजना है ना सबसे पहले लाभान्वित मैं बंदा हूँ अच्छा 4.5 लाख रुपया लगे आज प्राइवेट गोडा दोनों किसी का भी गलाओ तो मेरे घर वाले का रिप्लेसमेंट गोडा गलवाया और 1 रुपये मारो को लग गया और आज सक्सेस है 4 पेड़िया पर चढ़ जाए मेरे घर में 4 पेड़िया 4 पेड़िया पर चढ़ जाए अच्छा और थाने यकीन नहीं है तो रोटी बना दिया देखा अच्छा वो तो यकीन तो एक पड़ोसी बता देगा लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहूँ अटे रतनगढ़ में के माहौल है बार रतनगढ़ का मैंने माहौल है कि पिछली बार अभिनेश जी हटे ई चौक का मैंने आया बोले भाई लोगों में राजस्थान सरकार के चाबी है ना अभी को मैंने भक्तो है कि वह खट्टा है और 1 रुपये की सुई भी 5 साल का मैंने लगाई है तो वो बता दो तो वह चाबी को ताड़ो तो नहीं दे दियो है बिरो को नहीं बोई करो अच्छा चाबी किन दे रहे हो रतनगढ़ के मैं तो फिर सारा दिन दे रहा हूँ अच्छा ठीक तने के लगा है तो सलाम जी गोदारा साहब क्या जो स्वास्थ्य में काम करे विकास मतलब बिजली विभाग में और में हर चीज का मतलब गरीबों को सहयोग करे कांग्रेस सरकार और पुसाराम जी गोदारा मतलब हारिया गया है 10 साल से लेकिन फिर भी मतलब रतनगढ़ में हर मतलब गरीब तबका इंसानों भी की मतलब बात सुनाई करिए भाई और अवनेश जी कोई मतलब काम कौन करे रतनगढ़ में अच्छा ताने के लगा है भाई राठौड़ साहब भी चूरवा रहा है जगह बड़ा नेता है मुख्यमंत्री का दावेदार बन रहा है आपकी सीट खतरा में देख के भाग्या और अट से हमारा रफीक मंडेलिया जी है वे बहुत बढ़िया वोटों में जीतने जा रहे हैं और चारों तरफ मैं तो कह रहा हूँ कि चूरू जिला में 6 की 6 सीटा कांग्रेस लेवेगी क्योंकि कांग्रेस मेन तो है कि हमारे मुख्यमंत्री है जगह बहुत ही लोकप्रिय है और बाकी जगह योजना ही बाको हर आम आदमी ने बाको फायदा मिले है और हर आम आदमी बस खुश है और अट साहब के यार कुशराम जी को द्वारा भारी बहुमत से जीता का आह्वान सब लोगों ने लेकिन इस बार तो चुनाव मोदी वर्सेज गहलोत हो रखे है मोदी चुनाव का मैं प्रचार प्रसार करना है बीजेपी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करी है मोदी की तो साहब यह बात है कि सेना झूठो प्रधानमंत्री यदि देश में हुए है तो वो आज तक मोदी हुए अच्छा मोदी तो खोखलार झूठा वादा करे है सब लोग बका आज 9 साल 10 साल में बका पोत आ गया कि केवे क्यों है हुए कुछ को नहीं 15 लाख 20 लाख फलान भ्रष्टाचार की जो राजस्थान सरकार पर भी आरोप लगा हुआ है बाका खुद के मध्य प्रदेश के राज्य में सेना बड़ो दुनिया को व्यापम घोटालो हेड़ो है भी की आज तक जाँच को नहीं दूसरी बात जकी ईडी फीडी है जकी भेजे है ये खाली कांग्रेस शासित राज्य में भेजे बाका भी तो खूब स्टेट है बट किसो भ्रष्टाचार को नहीं हो या बट है किसा भ्रष्ट करप्ट आदमी को नहीं गए एक खाली राजनीतिक एजेंडा है लोगों का बात समझ आएगी और मोदी की तो इसी दशा होगी कि आगे ढूंढे ही गोला दल अच्छा के लागे है यो सेमीफाइनल है तो फाइनल के किन्ने जाओ फाइनल में भी जबकि एक तरफ ही जबकि सीटा गई 25 की 25 राजस्थान में मध्य प्रदेश में मान लो कि 1 सीट कांग्रेस की आई छत्तीसगढ़ में 3 आई इस बार बहुत ही ज्यादा परिवर्तन होगा 5 स्टेट में यो सेमीफाइनल तय करेगा कि फाइनल की कोई 100% करेगा सब ताने के लागे है इसके बार जहां चोरू का मैं रतनगढ़ में पुसाराम गोदारा जी बहुत वोटा से जीत सी और चूरू में भी है ना रफीक भाई जी पिछली बार 1800 वोटा से कुछ आ रहे हैं 18 या 20 हजार वोटा से जीत सी और राजेंद्र जी राठौड़ चूरू छोड़ भाग गया है बांको भी नतीजो बुरु आसी बड़े तारा नगर में बड़े मोर बोल सी और कोई सी भी मन तो छू सीटांगा मैंने 1 भी सीट है ना कांग्रेस की पूरी फुल बहुमत से जीत सी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है बड़ी शानदार योजना है भाई साहब बार बताया कि मैं घुटना गलवाया है मैं बता रही हूँ मेरे भाई के बच्चों को एक्सीडेंट हो
बिक मायने गुर्दे में लगी और तिल्ली पे लगी, गुर्दो डिमेज हो गयो। 10-12 लाख रुपया को इलाज फ्री हुए बेटा, कोई भी एक रुपये को मांगियो। ये योजना ने देखते हुए पूरे राजस्थान में कांग्रेस की लहर है और बड़ी शानदार योजना है चिरंजीवी योजना। बीजेपी भी जहाँ कई एजेंडा लेकर आ रही है, पहले तो भाई अभियान चलाया नहीं सहेगा राजस्थान, और अब जगह जगह मतलब पोस्ट हम किसानों की फोटो लगा रहे हैं। भाई भी देखा होगा थे भाई, जो एक बाढ़ मेरे बड़ी जैसलमेर के किसान की फोटो लगाई, वो भी कई आरोप लगाए, क्या लगा है किसान? तो भाई जी दिल्ली में हमारे जगह देख लियो, वो भी किसान या बीजेपी हमारे यहाँ का 11 महीना तो किसान आंदोलन चले, चर्चा हो किसान को बैठो है आप पटकनी लगाओ वो कौन है? ओ नरेश को, अपू साराम को दारो। नरेश को क्या नाम ले रहे हो? भाई भी किसान का बेटा है तो भाई बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो के लगे है कौन काटे को? की कौन काटे है? मैं सपोर्ट कर सी अपू साराम। यो एक पार्षद पुरसद आता रहे, वो भी चुनाव लड़ रहे हो बता, वो एक बबेरवाल है, के नाम है वो? मैं भी बीजेपी से दुखी हो बेटा भाई जी, मैं जामिया ने मैं पेट में आजत मांगा, मां-बाप बीजेपी ने वोट देना शुरू कर दियो और आज तक बीजेपी ने वोट दे रहे। बीजेपी बन के दियो, बीजेपी बन के दियो धोखो। अब बापड़ा भागी हो गए मजबूरी के माने माने बीजेपी के सामने वोट लड़नो, चुनाव लड़नो पड़ रही है। किका वोट काटेगा? बीजेपी का काट सी। किता ले लेगा? सागेड़ा ले सी। ताने केला है किका वोट काटेगा? बीजेपी का वोट काटेगा। अच्छा, तेको किन फायदा होगा? तेको फायदा सी दूसरो की सारा जी बाहर से देबे राजेशान जी। तो ते तो ते किन दे रहे हो? मैं तो कांग्रेस ने दे रहा दिरा रहा। तो ते पार्षद ने कौन दोगे? ना क्या मिले, मैं तो कांग्रेस ने देशा। अच्छा, तो पार्षद ने वो लड़े थे तो भी कौन दिया है? क्या देशा बीजेपी ने वोट देता रहा हमेशा से, मेहरबानी कौन देवा? मैं तो कांग्रेस ने बीजेपी ने देता है। हां, मैं तो कांग्रेस ने देवा, राधे श्याम जी बीजेपी ने देता है। अच्छा, जनाब जी बीजेपी के लग रहे हैं के चीज को? ये जे बबेरवाल को बता, बबेरवाल ही ने? हां, राधे श्याम जी बबेरवाल। वो की का कटे को? बीजेपी का कटे को? बीजेपी का कटे को? कितो को के अंतराल मान होई गए रतन गड़ी बढ़िया बढ़िया है, नई जागृति आई है, माने की बात की शुभकामनाएं कि भाई जो भीड़ उठाए और लड़ना को काम किए, हमेशा पिछल को के वोट देने काम थोड़ना है। अरे ते पुसाराम की बात करो, पुसाराम अगर जीत जाओ देशो के करा देगो? पुसाराम जी ये है कि मैं तो कांग्रेस का आदमी हूं और कांग्रेस की सरकार साहब हां, और हर आदमी की इच्छा है कि कांग्रेस का योजना कह रहे हो? मूल ओबीसी है, मूल ओबीसी एक नंबर से लेकर 100 नंबर तक बीजेपी ने वोट देती आई है ना, और मूल ओबीसी कांग्रेस ने वोट कम दे रही, कोई नाम मात्र दे रही है, फिर भी कांग्रेस जी गया हमेशा से मूल ओबीसी को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाता रही है सौ गहलोत ने, है ना? बीजेपी कह दे मूल ओबीसी ने धोखो देगी कौन दे? अब वो मूल ओबीसी कोई आदमी है राधे श्याम जी, कह दे लालच दे दियो करते आपका बना दिया। रतनगढ़ में भी मूल ओबीसी कई मतलब कैंडिडेट आ टिकट मांग रहे हैं, मूल ओबीसी छोड़ भागी बीजेपी ने, अब किन दे रही है? अब राधे श्याम जी ने दे रही है, कांग्रेस ने दे रही है। अच्छा, कांग्रेस ने वास्ते कांग्रेस। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त में भार्गव चौक में मौजूद हुई, यहाँ पर रात्रि के लगभग 9 बज रहे हैं और यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले इस चुनाव में 25 नवंबर को रतनगढ़ की जनता किसके नाम पर वोट करती है, लेकिन ये भी दिलचस्प होगा कि मुकाबला इस बार आमने सामने का है भाजपा और कांग्रेस का। पिछले बार देखा था कि चतुष्कोणीय मुकाबला था, लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में 3 नवंबर को जब वोटिंग का पत्ता खुलेगा तो किसके समर्थन में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन आप जुड़े रहिए RJTV 24 पर, फिर मिलते हैं किसी गांव में किसी चौपाल पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।